कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साथ में सपने बोते हैं, जो हाथ मिलाकर बढ़ते हैं, मंजिल आने तक नहीं सोते हैं। इंडियन बैडमिंटन के ये दो यंग और डायनामिक स्टार्स पिछले कुछ सालों से डबल्स में दुनिया भर के टूर्नामेंट्स लगातार जीतते आ रहे हैं। चिराग का स्पिरिट बहुत अच्छा है, फाइटिंग स्पिरिट, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कोर्ट पे। सात्विक्स एक्स फैक्टर वुड बी हिज स्मैश, ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटर्स इन द वर्ल्ड करंटली। 13 अगस्त 2000 को अमलापुरम में पैदा होने वाले सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को अपना गेम और अटैकिंग स्पिरिट अपने घर में ही मिली। उनके पिता श्री विश्वनाथन खुद एक स्टेट लेवल प्लेयर होने के साथ बैडमिंटन कोच और रेफरी भी हैं। बचपन में उनके साथ स्टेडियम जाते जाते सात्विक का झुकाव अपने आप ही इस खेल की तरफ होने लगा और 14 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद की विख्यात साई पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी ज्वाइन कर ली। वहीं 4 जुलाई 1997 को मुंबई में जन्मे चिराग शेट्टी ने 7 साल की उम्र में अपने शौक को अपनाया। So my father took me to the Goregaon Sports Club. I was playing along with him and my first coach Manish Hadkar saw me play and he went up to my father and asked him ki why don't you make your son join the regular coaching. So I think that's how I started playing badminton. इसी बीच इंडियन बैडमिंटन डबल्स टीम के हेड कोच किम टैन हर ने उनकी टेक्निक देखी तो उनका पोटेंशियल पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली। He told us that he can actually make us good players. He made me and Satvik partners because both of us are tall players. चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की ये जोड़ी भारत के लिए एक फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है क्योंकि ये दोनों नौजवान शुरुआत में एक दूसरे के साथ खेलना ही नहीं चाहते थे। I was not very comfortable, like I was more onto Telugu people. And he did not mingle with the people who used to speak Hindi. कोच बोला कि तुम दोनों साथ में रहना, दोनों एक ही रूम में रहना, तो शेयर करना, एटलीस्ट वन मील यू शुड गो आउट एंड ईट टुगेदर। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है हम दोनों का। थैंक किम हर द कोच हु केम अप विद दैट आइडिया बिकॉज़ सात्विक हैड द बिग स्मैश एंड विद बोथ ऑफ देम टावरिंग ऑन कोर्ट दे मेड अ डेडली कॉम्बिनेशन। 2016 के टाटा ओपन इंडियन इंटरनेशनल और इंडिया इंटरनेशनल सीरीज बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीतकर इस टीम ने एक ही साल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में तहलका मचा दिया। अभी तो इन दोनों की विक्ट्री स्प्री सिर्फ शुरू ही हुई थी। 2019 थाईलैंड ओपन में गोल्ड, 2019 फ्रेंच ओपन में सिल्वर जीतने के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मेंस डबल में सिल्वर और मिक्स्ड टीम में गोल्ड हासिल करके न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग में 10th स्पॉट लेकर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी किया। इट इज आवर फर्स्ट ओलंपिक्स, वी वांट टू परफॉर्म प्रीटी वेल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साई हैव बीन वर्किंग रियली रियली हार्ड टू गिव अस द बेस्ट फैसिलिटीज। Both of them have been training hard, they have been focused and determined, and I am sure that in the next 1 or 2 years there will come a time when they will be the ones who will be dictating terms to the rest of the world. पिछले 5 सालों से एक मजबूत टीम बनकर एक साथ इतिहास बनाने वाले चिराग और सात्विक आज बन चुके हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।